भारत बनाम आयरलैंड तीन मैचों की T20I श्रृंखला में भारतीय टीम ने आयरलैंड की टीम को उन्हीं के घर में खदेड़ दिया है। भारतीय टीम ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है आयरलैंड की टीम के सामने। भारतीय टीम ने बता दिया है कि भारतीय खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, मगर भारतीय खिलाड़ी जानते हैं किसी भी पॉइंट से कमबैक करना। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम को ढेर सारे नायक मिले हैं पिछले दो मुकाबलों में। क्या तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को एक नया नायक मिलेगा या फिर आयरलैंड की टीम वापसी करेगी और 2-1 से इस श्रृंखला को खत्म करेगी। भारतीय टीम जब इस सीरीज में आई थी तब उनके सामने ढेर सारे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने बहुत ज्यादा आवश्यक थे, मगर अब जब भारतीय टीम ये श्रृंखला जीत चुकी है तब भारतीय टीम के पास कई सारे सवालों के कई सारे जवाब हैं। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था जसप्रीत बुमराह की फॉर्म, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस। जसप्रीत बुमराह ने पिछले दो मुकाबलों में जिस तरीके से गेंदबाजी की है भारतीय टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन रहा है बुमराह का। बुमराह की वापसी हुई है और एशिया कप के स्क्वाड में भी उनका नाम आ चुका है। प्रसिद्ध कृष्णा उनके साथी गेंदबाज भी कमाल का प्रदर्शन करते आ रहे हैं इस सीरीज में। प्रसिद्ध कृष्णा लंबे कद के गेंदबाज हैं और एक हाई आर्म एक्शन है उनका। जैसे जसप्रीत बुमराह तेज गति से बल्लेबाजों को बीट करते हैं, उसी तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा भी अपनी गति से बल्लेबाजों को सताते हैं। जसप्रीत बुमराह के सामने प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ रहे। प्रसिद्ध कृष्णा को उनके लंबे कद के कारण एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है पिच से। प्रसिद्ध कृष्णा जानते हैं अपनी ताकत के बारे में और अपनी कमजोरियों पर लगातार काम करते आ रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। भारतीय टीम में उनका भी नाम आ चुका है। प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के साथ जाएंगे एशिया कप खेलने के लिए और जिस तरीके से अभी तक परफॉर्मेंसेज रही हैं प्रसिद्ध कृष्णा की 50 ओवर फॉर्मेट में, मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए कुछ कमाल के प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा आने वाले एशिया कप में। भारतीय टीम के लिए यही सेम 11 खेली है दो बार लगातार, मगर मुझे लगता है कि भारतीय टीम को नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। भारतीय टीम के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होता नजर नहीं आ रहा है, पर मुझे लगता है कि मुकेश कुमार, आवेश खान और शाहबाज अहमद को भी खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके खेलने के ज्यादा चांस नजर आते हैं। मुकेश वेस्टइंडीज में अच्छा प्रदर्शन करके आए थे और उम्मीद है कि उन्हें बचे हुए T20 मुकाबले में खेलने का मौका दिया जाएगा। शाहबाज अहमद वॉशिंगटन सुंदर की जगह खेलते नजर आ सकते हैं। बाकी दो मुकाबलों में वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी करने का मौका तो नहीं मिला, मगर गेंदबाजी करते हुए भी कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं वॉशिंगटन सुंदर का। वॉशिंगटन सुंदर के पास कोई एक्स्ट्रा वेरिएशंस नहीं है। जैसे वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे लाइन लेंथ से तो वो दबाव बना रहे थे बल्लेबाजों के ऊपर, मगर विकेट चटकाने में असमर्थ रहे वॉशिंगटन। उम्मीद है कि शाहबाज अहमद को खेलने का मौका मिलेगा और शाहबाज अहमद जब जब खेले हैं भारतीय टीम के लिए तब तब उनका बड़ा ही कमाल का प्रदर्शन रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए IPL में अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं उन्होंने बल्ले और गेंद के साथ, तो मुझे लगता है कि जब भी खेलने का मौका मिलेगा शाहबाज को वो भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर बल्लेबाजी की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता भारतीय टीम कोई बदलाव करना चाहेगी। जितेश शर्मा जैसे एक अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास रिजर्व प्लेयर्स में, मगर मुझे लगता है कि उनकी जगह नहीं बन पाएगी भारतीय टीम में। IPL में अच्छा प्रदर्शन करा था जितेश शर्मा ने, इसी कारण उन्हें खेलने का मौका मिला आयरलैंड की सीरीज में, वो सिलेक्ट हुए, मगर अभी तक प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं जितेश। संजू सैमसन जिस तरीके से पिछले मुकाबले में खेले उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, देखने में बड़े ही सेटल्ड से नजर आ रहे थे और बड़े ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे स्ट्रोक प्ले में संजू सैमसन। आयरलैंड की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं संजू, बड़ी ही कमाल की एवरेज रही है, बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है उनका आयरलैंड की सरजमी पर। ये टीम अभी तक तो कमाल का क्रिकेट खेली है आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड की टीम बड़ी कमजोर सी नजर आई है, बहुत ऑर्डिनरी क्रिकेट खेला है आयरलैंड की टीम ने। स्कैम्फर जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने निराश किया है अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, मगर मुझे लगता है कि जिस तरीके से आयरलैंड की टीम खेली है भारतीय टीम को अभी हराना अब बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा है। जोशुआ लिटिल को आयरलैंड की टीम के लिए कुछ विकेट्स लेने होंगे नई और पुरानी गेंद के साथ। उम्मीद है कि आज के मुकाबले में एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलेगा हम सभी को। भारतीय टीम के लिए अगर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की बात की जाए तो मुझे लगता है आज यशस्वी जायसवाल कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं।
जिस तरीके से यशस्वी खेले थे वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में, कमाल की शुरुआत हुई थी उनके करियर की, मगर उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाए यशस्वी जायसवाल अपने वेस्ट इंडियन टूर को। अब आयरलैंड के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबलों में कुछ अच्छे रन्स नहीं आए उनके बल्ले से। भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा पर भी कई निगाहें टिकी होंगी। तिलक वर्मा पिछले दो मुकाबलों से तो बड़े ही ऑर्डिनरी तरीके से आउट हो रहे हैं। भारतीय टीम के मेन स्क्वाड में है वो एशिया कप के लिए, और अगर अभी फॉर्म में आ जाते हैं तिलक वर्मा एशिया कप से पहले तो भारतीय टीम के लिए इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर आयरलैंड की टीम के लिए कोई खिलाड़ी पिक करना हो तो मुझे लगता है कि आज जोशुआ लिटिल को जिम्मेदारी लेनी होगी। जोशुआ लिटिल अच्छे गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, वेरिएशंस हैं उनके पास, जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है उन्हें गेंदबाजी करते देख। बहुत सारी T20 लीग्स में खेलते हैं, ढेर सारे और टूर्नामेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन रहता है, मगर आयरलैंड की टीम के लिए अभी तक दो मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उन्होंने। मुझे उम्मीद है कि आज के मुकाबले में भारतीय टीम को थोड़ी तकलीफ देते नजर आएंगे जोशुआ लिटिल। अगर विजेता पिक करना हो आज के मुकाबले में तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को हराना आयरलैंड की टीम के लिए बहुत मुश्किल है। अगर भारतीय टीम चौक कर जाती है बुरी तरीके से तभी आयरलैंड की टीम जीत सकती है, वरना भारतीय टीम को हराना आयरलैंड की टीम की बस की बात नहीं नजर आ रही है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये वाला मुकाबला जीतेगी और वाइट वॉश कर देगी आयरलैंड की टीम को। 3-0 से हराकर ये ट्रॉफी वापस घर लेकर आएगी भारतीय टीम। मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में कुछ कमाल के प्रदर्शन देखने के लिए मिल सकते हैं हम सभी को। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम तीसरे T20I मुकाबले का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।